मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। जीसस मिट्स यूट्यूब फैमिली, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने हमारे परिवार हैं, सभी लोगों को मैं स्मरण करता हूं, परमेश्वर की महिमा करता हूं। आपके परिवारों में और आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा सदा बनी रहे, यही हमारी आशा है, चाहत है। इन दिनों में परमेश्वर वापिस आपको भविष्यवाणी का वचन आपको देना चाहता है। परमेश्वर भला है मेरे प्रिय लोगों, उस दिन का, उस समय के सच्चाई को भी मैं कह सकता हूं। आखिरी दिनों में हम जा रहे हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के उस आगमन की चोटी पर हम खड़े हैं। इसमें और कुछ हम कह सकते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। पहली योना की पत्री 2 28 वचन, निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो कि हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो, उसके सामने लज्जित ना हो, हियाव बांध कर रखो। बाइबल ऐसा कहता है, उसमें सदा बने रहो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की आगमन के बारे में कहा गया वचन है, उसके सम्मुख में, उसके उस अनंत जीवन में, उसके राज्य में दिखने लायक हमें होना चाहिए ना, तो हमें क्या करना चाहिए? बाइबल बताती है 27 वचन में कि तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वह तुम्हारे अंदर बना रहता है। वही अभिषेक परमेश्वर के लोगों, जब मसीह प्रकट होगा, उसके सामने लज्जित न होने लायक हियाव बांध कर पवित्र आत्मा में वहां पर खड़ा करता है। तो सदा आपके अंदर आत्मा के उस वर को अग्नि में भर कर, अभिषेक में भर कर हमें जीना चाहिए। और परमेश्वर की आत्मा जो है, जब तुरही फूकेगी, हमारे कानों में सुनाई देना चाहिए, उस अनंत जीवन में हमें प्रवेश करना चाहिए। ऐसी सोच मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार उस अनंत जीवन में प्रवेश करे, ऐसी सोच के साथ तो हमें जीना चाहिए। विशेष रूप से आज इस वचन के अनुसार हमसे बात कर रहा है, आमेन। 27 वचन में कहा गया है कि उसके द्वारा पाए गए उस अभिषेक हमारे अंदर बना रहा है। 27 वचन में मैंने पढ़ा तो आखिरी शब्द जो ऐसा कहा गया है कि हियाव हो कि हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। कैसे हम रह सकते हैं? अभिषेक के द्वारा ऐसा रह सकता है। पवित्र आत्मा जो है हमें स्थिर बने रहने में सहायता करेगा, इसीलिए हर दिन आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए, उसकी आवाज को सुनना चाहिए। जब वो हमें सिखाता है तो उसकी आज्ञा को पालन करना चाहिए, जब वो हमें चेतावनी देता है तो हमें समर्पित करना चाहिए, अर्पण के साथ हमें जीना चाहिए। आज का दिन ऐसा ही बेहतर दिन और खुशी से भरा हुआ दिन होने के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। इस संदेश को सुनकर परमेश्वर के द्वारा आपको आशीष पाना चाहिए, दूसरों को आप आशीष बन कर रहे, यही परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की विचार है। तो मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना के समय में जब तू प्रकट होने वाला है, तेरे सामने कभी लज्जित ना होने लायक हियाव बांध कर रहने के लिए, हियाव बांध कर खड़े होने के लिए बल देकर, हे परमेश्वर की आत्मा, तेरा अनुग्रह हम पाते रहे, तेरे दया का हाथ सदा हमारे ऊपर बना रहे। ऐसा ही तो हमें चला और पवित्र नाम की महिमा कर ले। आकाश तेरा सिंहासन है और भूमि तेरे पांव की चौकी है, ऐसे हजारों हजारों लोग जो है इसे जानकर समृद्धि पाए, सफलता पाए और सुरक्षित बने रहें। टू व्हीलर में जाए, कार ऑटो में जाए, या चल कर जाए, कार में जाए, ट्रेन में जाए या फ्लाइट में जाए, जहां कहीं भी वो रहे, तेरे बच्चे उनकी सुरक्षा कर ले, तेरे बच्चों की सुरक्षा कर ले। अब तक तूने हमें चलाया है, आने वाले दिनों में लगातार चलाते रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रार्थना को सुना हर वक्त, जैसा मैं कहता हूँ जरूर शेयर करें, बोल न जाएं। हिंदी भाषा में जिन्होंने सुना, आपके राज्य में, आपके
डिस्ट्रिक्ट में या जिस गांव में आप रहते हो वहां पर जरूर शेयर करें। प्रेम से मैं कहता हूँ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दें।